आज बनाने वाली हूं मैं, जो हम दही बड़े बनाते हैं ना, दही बड़े, मैं उसका प्रीमिक्स बनाकर आज तैयार करूंगी। क्योंकि दही बड़े में ना फिर क्या होता है, उसी दिन बनाना है मुझे, मतलब मैं बनाती हूँ पूरनमासी वाले दिन दही बड़े, तो मैं ना प्रीमिक्स बनाकर रख लूंगी उसका, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस झटपट से उसको भिगोया और उसको दही बड़े बना लिए। सच मानिए, इतने अच्छे दही बड़े बनते हैं ना, इतने टेस्टी और इतने फ्लफी बनते हैं कि आप मान ही नहीं सकते, मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छे बनते हैं। आप मेरे तरीके से एक बार प्रीमिक्स बनाकर देखिए, प्रीमिक्स को तैयार करके देखिए, बहुत अच्छे दही बड़े लगेंगे आपको। चलिए तो फिर मैं स्टार्ट करती हूँ, दही बड़े का प्रीमिक्स बनाती हूँ। ठीक है, मैं ले लूंगी एक डोंगा। अब इसमें मैं डालूंगी मूंग की दाल, जो कि मैंने 500 ग्राम मंगा कर रखी थी, इतनी ले ली है। यह है 500 ग्राम मूंग की दाल। ठीक है, तो हमें मतलब आपको मेजरमेंट इस तरीके से करना है कि जितनी आप मूंग की दाल लेंगे ना, आपको इतना इतना खाली रखना है। चाहे आप एक बाउल से मेजरमेंट कर लीजिए, चाहे आप एक भगोने से करिए, जिस चीज से भी करिए, आपको जितनी क्वांटिटी में बनाने हैं दही बड़े, उस हिसाब से आप प्रीमिक्स को तैयार कर लीजिएगा। प्रीमिक्स वैसे अगर आप रखा भी रहने देंगे, 2 महीने के लिए भी आप स्टोर कर लेंगे तो भी खराब नहीं होता है, क्योंकि फ्रिज में आप अगर उसको स्टोर करते हैं ना, तो वो 2 महीने तक आराम से चल जाएगा। और अगर आप उसको फ्रिज में नहीं स्टोर करते हैं, तो वो 1 महीने तक तो चले ही जाएगा। मतलब ये देखिए, छिकल वाली दाल नहीं है, उड़द की धुली दाल है। ठीक है, तो अब इससे मैं इस डोंगे को भर लूंगी। ये मैंने 500 ग्राम मंगाई थी, बट ये पूरी 500 ग्राम नहीं बनी है। और देखिए, मैंने इस डोंगे को पूरा भर लिया है। ये देखिए, मैंने पूरा भर लिया है इस डोंगे को उड़द की दाल से। जितना खाली रह गया था ना, इतना भर लिया। आप अपने हिसाब से मेजरमेंट कर लीजिएगा। अगर आप कटोरी से करते हैं तो आपको पौना कटोरी रखना है, और अगर आप कप से करते हैं तो आपको पौना कप रखना है। मतलब आपको पूरा जो जिस चीज से आप मेजरमेंट करेंगे, उसको भरना जो है वो आपको उड़द की दाल से भरना है। बस इतना ध्यान रखिएगा, ज्यादा आपको मूंग की दाल लेनी है और कम क्वांटिटी में आपको उड़द की दाल लेनी है। अब मैं इसको अच्छे से वॉश कर लूंगी। दाल को अच्छे से धोने के बाद मैं इसको ले आई हूँ इधर बालकनी में, और मैंने एक साफ़ टॉवल बिछा ली थी। और अब मैं उसको सारी दाल को इस पे अच्छे से फैला दूँगी, पतला पतला करके फैला दूँगी, जिससे कि ये बहुत अच्छे से सूख जाए। और क्योंकि अगर ये अच्छे से सूखेगी नहीं, तो इसमें फंगस लगने का डर रहेगा। मतलब ये है कि आप इसको फिर स्टोर नहीं कर सकते। मतलब ऐसा होता है कि तुरंत बनाई और तुरंत आपने प्रीमिक्स बनाया और तुरंत ही आपने दही बड़े बना लिए, तब तो चलो कोई बात नहीं है, आप इसको थोड़ा सा गीला भी रहने देंगे तो पीस लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको इसको स्टोर करना है, तो आपको इसे पूरी तरीके से सुखाना पड़ेगा। और मैं तो कहती हूँ इसको पूरी तरीके से सुखाना ही ठीक भी है, ताकि हमारे जो दही बड़े हैं, जो हमारे जो हम बड़े बनाएंगे, वो ख़राब ना हो। वो भी तो ख़राब हो सकते हैं ना, सूखेगा नहीं तो। तो देखिए, दाल बिल्कुल सूख चुकी है और ये अच्छे से, मतलब बहुत ही अच्छे से सूख चुकी है। अब मैं इसको कढ़ाई में डाल के थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी, जिससे कि इसमें हल्का सा अगर मॉइस्चर हो तो वो भी निकल जाए, और ये एकदम बहुत बढ़िया से अच्छे से क्रिस्प हो जाए। जब तक ये क्रिस्पी नहीं हो जाएगी ना, तब तक हमें इसको ऐसे ही भूनना है। मतलब इसका कलर चेंज नहीं करना है, सिर्फ हमें इसका मॉइस्चर जो इसमें बचा हुआ है वो सुखाना है। मैंने इसको भून लिया था गैस पे, कढ़ाई पे, और अब ये अच्छे से क्रिस्प हो गई है। देखिए, कलर चेंज बिल्कुल नहीं हुआ है, बस हल्की सी क्रिस्प करनी है इसको, ताकि ये इसका अच्छे से फाइन पाउडर बन जाए। अब मैं इसको ग्राइंडर जार में डाल दूंगी और इसका एक फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लूंगी। तो ये देखिए, हमारा प्रीमिक्स दही बड़ा बिल्कुल तैयार है। इससे आप जब चाहें तब दही बड़ा बना सकते हैं। इससे आप दही बड़ा भी बना सकते हैं, चीले भी बना सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी जीरा, थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा नमक। इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर दूंगी और ये हमारा तैयार है प्रीमिक्स बनकर बिल्कुल। अब आप प्रीमिक्स बनाइए और दही बड़े जब चाहे तब बनाइए। तो बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।